ईडी यानी कि इरेक्टाइल डिसफंक्शन क्यों होता है और इसका जो सबसे एक कारण है वो है आप कौन सी मेडिसिन ले रहे हो। यदि आप, मैं भी आपको इस वीडियो में बताऊंगा, ये मेडिसिन ले रहे हो तो आपको इरेक्टाइल डिसफंक्शन होने के चांसेस ज़्यादा हैं। तो आज आपको ये वीडियो एंड तक जरूर देखनी चाहिए। तो नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम डॉक्टर सचिन तोमर है और मैं दिल्ली में प्रैक्टिस करता हूँ। इसके साथ मैं ऑनलाइन कंसल्टेशन भी करता हूँ। यदि आपको कोई भी बीमारी है, कोई सेक्सुअल बीमारी है, शीघ्र पतन, इरेक्टाइल डिसफंक्शन या स्पर्म की कमी है, तो आप बेफिक्र होकर मुझसे बात कर सकते हो या व्हाट्सएप के थ्रू मुझसे जुड़ सकते हो। और सबसे बड़ी बात है कि फ्री कंसल्टेशन मैं करता हूँ, कोई चार्ज नहीं है, किसी प्रकार का कोई शुल्क हम नहीं लेते, ठीक है ना। हाँ, यदि आप मेडिसिन लेते हैं और उसका भी बहुत ही कम अमाउंट हम आपसे लेंगे, वो हम आपको मेडिसिन मुहैया करा देंगे। चलो बढ़ते टॉपिक की तरफ। और हाँ, ईडी ठीक हो जाती है, ऐसा नहीं है कि ईडी ठीक नहीं हो सकती। ईडी इरेक्टाइल डिसफंक्शन एक रिवर्सिबल बीमारी है, ऐसा नहीं कि एक बार ईडी हो गया किसी को वो ज़िंदगी भर हो गया। मैंने कितने सैकड़ों पेशेंट आज तक ठीक कर चुका हूँ और वे एक अपना वैवाहिक जीवन बहुत अच्छी तरह इंजॉय कर रहे हैं। तो इसलिए सबसे बड़ी बात है, आपको घबराना नहीं है। इसमें जो सबसे पहली मेडिसिन है वो है स्टेरॉयड। स्टेरॉयड ज़्यादातर तब लिया जाता है, ज़्यादातर फंगल बीमारी में या स्किन की बीमारी में स्टेरॉयड का इस्तेमाल किया जाता है, या जो लंग्स के पेशेंट होते हैं उनमें स्टेरॉयड का इस्तेमाल किया जाता है। अभी हाल ही में जो कोरोना हुआ है, उसके जो मेरे पास पेशेंट आ रहे हैं जिन्होंने बहुत ज़्यादा स्टेरॉयड लिया है, तो उनको मैंने कहीं ना कहीं देखा है कि उनको इरेक्टाइल डिसफंक्शन की समस्या हुई है, शीघ्र पतन की समस्या हुई है। क्योंकि जब हमारे पास पेशेंट आता है तो जब हम उससे पूछते हैं, कहीं ना कहीं उसकी पास हिस्ट्री जरूर पूछते हैं कि कहीं आपको कोई बीमारी तो नहीं है या आपको कोई बीमारी अभी हुई तो नहीं। तो जब ये बताते हैं कोरोना, तो ये मैं अपने खुद की बता रहा हूँ, ये मैं अपना एक्सपीरियंस आपको बता रहा हूँ, ठीक है। तो उन्होंने कहा कि जब से मुझे कोरोना हुआ तब से ही मेरा कहीं ना कहीं जो सेक्सुअल हेल्थ है वो डाउन हुई है। तो एक रीज़न ये है कि स्टेरॉयड। हाँ, बहुत सी स्किन डिजीज होती हैं जिसमें लंबे समय तक स्टेरॉयड का इस्तेमाल होता है, वो भी एक कारण है। तो पहला कारण हुआ स्टेरॉयड। सेकंड है एंटी हाइपरटेंसिव ड्रग, मतलब ब्लड प्रेशर को घटाने वाली दवाई। कुछ ड्रग हैं, कुछ साल्ट हैं जो इरेक्टाइल डिसफंक्शन का कारण बनते हैं। तो उसके लिए देखिए, बहुत से ड्रग्स हैं, 10-12 ड्रग्स होते हैं इसके अंदर, स्पेशली नाम बता हम नहीं सकते। आपको सिर्फ अपने डॉक्टर से कंसल्ट करना है, उनसे पूछना है कहीं ये मेडिसिन मुझे इरेक्टाइल डिसफंक्शन तो नहीं कर देगी, उनसे अपना ये बारे में डिस्कस करना, तो और अपने आप को हाइपरटेंशन से बचाना। इन चीज़ों को मैं आपको बता देता हूँ, सारे ड्रग नहीं है, कुछ ड्रग है इसमें ऐसे, तो वो आपको अपने डॉक्टर से कंसल्ट करना पड़ेगा, ठीक है। नेक्स्ट है डायबिटीज़। और देखिए, ये ज़्यादातर मैं अपनी प्रैक्टिकल नॉलेज आपको देने की कोशिश करता हूँ। जो डायबिटीज़ के पेशेंट हैं उनको भी इरेक्टाइल डिसफंक्शन होने के चांसेस होते हैं, हो सकता है। देखिए, डायबिटीज़ एक ग्रुप है बीमारियों का, उसमें बॉडी में वीकनेस तो आती है उसकी वजह से, और कुछ मेडिसिन आप लंबे समय से ले रहे हो उसका भी बहुत बड़ा रोल होता है। और ये मैं अपने पेशेंट में देखा है जो कहते हैं सर मैं डायबिटिक हूँ, और जब से मुझे डायबिटीज़ हुई है तब से मैं इरेक्टाइल डिसफंक्शन का, मतलब इरेक्टाइल डिसफंक्शन से मैं अफेक्टेड हुआ है। तो आपको अपने डॉक्टर से कंसल्ट करना है, उनको मेडिसिन चेंज करानी है या इसके बारे में डिस्कस करना है कि सर मैं ये ले रहा हूँ तो कहीं मेरा इस साल्ट की वजह से ये साइड इफेक्ट तो नहीं हो रहे हैं, तो आप अपना साल्ट चेंज करवाइए, डोज चेंज करवाइए, तभी इसमें बहुत अच्छा रिजल्ट आता है। नेक्स्ट है डिप्रेशन। यदि आप बहुत लंबे समय से स्ट्रेस में हों और उसके लिए आप मेडिसिन ले रहे हो, तो उसमें भी मैंने देखा है कि जो पेशेंट आता है हमारे पास वे कहते हैं सर मैं इतने साल से ये मेडिसिन ले रहा हूँ कि मुझे स्ट्रेस था, फिर मैं डिप्रेशन में चले गया, और तब से मैं मेडिसिन ले रहा हूँ। तो लेकिन जब मैं मेडिसिन ले रहा हूँ, पहले मैं ठीक था, मतलब 2 साल पहले मैं बिल्कुल ठीक था, 1 साल पहले मैं ठीक था, या 6 महीने पहले मैं बिल्कुल ठीक था, लेकिन जब से मैंने मेडिसिन ली है धीरे धीरे मैंने महसूस किया है कि मुझे इरेक्टाइल डिसफंक्शन की समस्या होने लगी है। तो इसमें मैं आपको यही सजेस्ट करूँगा, तो आप जिस डॉक्टर से ले रहे हो ना उनसे एक बार आप कंसल्ट जरूर कर लेना इस बारे में, उनसे चाहे वो मेडिसिन का जो साल्ट है वो चेंज कराना, आपको डोज चेंज करानी है, ये आपको खुद करना है, ठीक है। मैं आपको बता रहा हूँ ये आपकी ये मेडिसिन लेने से इरेक्टाइल डिसफंक्शन में भी हो सकता है, ठीक है ना, और होता है। नेक्स्ट है यदि आप कोई ऐसी बीमारी है, ऑटो इम्यून डिजीज़ है। ऑटो इम्यून डिजीज़ हम डिस्कस करेंगे, शरीर की अपना आप बनाने वाली बीमारी,
उसके कोई आप ले रहे हो, मेडिसिन ले रहे हो और लंबे समय से ले रहे हो, तो वो भी आपका इरेक्टाइल डिसफंक्शन होने के चांसेस ज़्यादा रहते हैं। नेक्स्ट है, हाँ, ये कोलेस्ट्रॉल घटाने की दवाई, यदि आप कोलेस्ट्रॉल घटाने की मेडिसिन ले रहे हो, इसका भी एक रीज़न है कि आपको इरेक्टाइल डिसफंक्शन में भी हो सकता है और होता भी है। मैं अपने पेशेंट की बात बता रहा हूँ। देखिए, जितने भी मैंने बताए ना, ये मैंने अपने पेशेंट की जुबानी आपको बताए हैं, ये पेशेंट बताते हैं तभी मैं आपको बता रहा हूँ। जितनी भी मैं वीडियो बनाता हूँ, ज़्यादातर मैं कोशिश करता हूँ अपने प्रैक्टिकल नॉलेज देने की, जो मैंने क्लिनिक से सीखा है, जो मैंने आपसे सीखा है, जो पेशेंट से मैंने सीखा है, वही मैं वीडियो के माध्यम से बताना चाहता हूँ। तो ये कुछ ऐसी मेडिसिन थी जिसकी वजह से इरेक्टाइल डिसफंक्शन होता है। यदि आप ऐसी कोई मेडिसिन ले रहे हो तो आप अपने डॉक्टर से ज़रूर कंसल्ट कीजिए, उनको ही अपने बारे में बताइए। नहीं तो फिर आप मेडिसिन, देखिए मेडिसिन आपको नहीं छोड़ने, पहली मैं आपको बता दूँ, मेडिसिन आप लेते रहना है, मेडिसिन आपको बंद नहीं करनी है, और ना हम बंद कराते हैं। कोई कहता है सर मुझे डायबिटीज़ है और मुझे ब्लड प्रेशर है और मुझे आपसे दवाई लेनी है, तो हम कहते हैं अपनी मेडिसिन आप रखिए, उसके साथ हम कुछ ऐड करते हैं अपनी दवाई भी पेशेंट के हिसाब से, कि उसको ब्लड प्रेशर पे भी दिक्कत ना हो, उसको डायबिटीज़ पे भी कोई फ़र्क ना पड़े उसकी मेडिसिन पर भी, और उसका जो इरेक्टाइल डिसफंक्शन भी ठीक हो जाए। और इरेक्टाइल डिसफंक्शन ठीक हो जाता है, ऐसा नहीं, घबराने वाली बात नहीं है, एक तरह की रिवर्सिबल बीमारी है, कोई इतनी बड़ा हल्ला नहीं है कि ये ठीक नहीं हो सकता। आपको यदि मान कर चलिए इरेक्टाइल डिसफंक्शन हो गया या शीघ्र पतन हो गया, तो क्या ठीक नहीं हो सकता? हो सकता है। आपको कुछ भी घबराना नहीं है, बस आपको ट्रीटमेंट लेना है। स्क्रीन पर मेरा नंबर है, बेफिक्र होकर, कंसल्टेशन फ्री है, आप एक बार बात तो कर सकते हैं, आप डिस्कस तो कर सकते हो, इतना तो आप कर सकते हो, नहीं तो व्हाट्सएप पे मैसेज छोड़ सकते हैं, मैसेज का जवाब मैं दूंगा आपको, ठीक है ना। हो सकता है थोड़ा लेट हो जाए, ये बात मैं मान सकता हूँ, हो सकता है लेट हो जाए, लेकिन मैसेज का जवाब आपको ज़रूर मिलेगा। तो आई होप आपको समझ में आ गई होगी ये वीडियो। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, और हाँ, जाते जाते एक छोटी सी रिक्वेस्ट है आपसे, प्लीज़ चैनल ज़रूर सब्सक्राइब कर देना और ये वीडियो तो लाइक और शेयर तो कर ही देना। थैंक यू वेरी मच।